बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आरती का मतलब जैसा श्री ग्रंथ में दिया गया है, आरती अर्थात सब ओर से अपना ध्यान समेट कर, रति मतलब अपने मालिक के प्रेम में लीन करना, आरती गाना है। श्री आरती प्रेम सहित पूर्ण भाव के साथ गाई जाए, नेत्रों में अश्रुधारा लेकर अपने प्रियतम को रिझाने का प्रयास किया जाए। ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जय श्री जगतारण, शुभ मग के उपदेशक, यम त्रास निवारण। ओम जय श्री जगतारण। ओम अर्थात हे सर्वरक्षक, ए संसार को भव से तराने वाले इष्ट देव मालिक, आपकी जय हो। आप सत्य पथ अर्थात मोक्ष का मार्ग का उपदेश करने वाले हैं और महाकाल के भय से छुड़ाने वाले हैं। परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, मेरे स्वामी जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। ओम जय श्री जगतारण। परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, आपने पर उपकार के लिए ही इस संसार में अवतार धारण किया है और हम जैसे सौभाग्यशाली जीवों को घर बैठे ही अर्थात इस धराधाम पर आकर ही अपने पावन दर्शन देकर हमें भाग्यशाली बनाया है। ऐ जग के तारणहार, आपकी जय हो। कली कुटिल जीव निस्तारण को, प्रभु संत रूप धर के, स्वामी संत रूप धर के, आत्म को दर्शावत, आत्म को दर्शावत, मल धोए हैं मन के। ओम जय श्री जगतारण। कली कुटिल जीव निस्तारण को प्रभु संत रूप धर के, ऐ मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, कलयुग के कठोर स्वभाव वाले जीवों का उद्धार करने के लिए
आप संत रूप धारण करके आए हैं। मन की मलिनताओं को हटाकर आत्मा का साक्षात्कार यानी निज रूप का आप दर्शन कराते हैं। ऐ जग के तारणहार आपकी जय हो। आप पाप त्रैताप गए जो गुरु शरणी आए, मेरे स्वामी शरणी आए, गुरु जिसे लाल अमोलक, स्वामी जिसे लाल अमोलक, तिस जन ने पाए। ओम जय श्री जगतारण। हे सतगुरु, आप पाप त्रैताप गए जो गुरु शरणी आए, सब तरह की आपदाओं से, पाप से और तीन ताप से, तीन ताप अर्थात दैविक, भौतिक और आत्मिक, इन तीनों तापों से वो मुक्त हो गए जो आपकी शरण में आ गए। और वही सेवक जो आपकी शरण में आ गए हैं, आपसे नाम रूपी लाल की अनमोल दौलत प्राप्त करके धनवान हो गए हैं। ऐ जग के तारणहार मेरे सतगुरु आपकी जय हो। सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अज पावत लाए, स्वामी अज पावत लाए, प्राणायाम की लहरें, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। ओम जय श्री जगतारण। सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजपा, श्री गुरु महाराज जी ने ये तीनों युक्तियां, इनके जोड़ को सुर शब्द योग कहा जाता है। सुर शब्द योग में ये तीन युक्तियां आती हैं, सहज समाधि अनाहत ध्वनि और अजपा जाप। श्री गुरु महाराज जी ये युक्तियां बतलाते हैं जिससे आंतरिक ज्योत के दर्शन होते हैं। इसके साथ साथ प्राणायाम अर्थात श्वास को ऊपर ले जाना, नीचे ले आना, इसकी विधि भी सिखाई जाती है। जब ये प्राणायाम उचित रूप से आरंभ हो जाता है तो मन आनंद की लहरों में झूम उठता है। ये लहरें आपके दासों को बहुत प्यारी लगती हैं। ऐ जग के तारणहार आपकी जय हो। हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे, स्वामी मात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरु जी हैं, उनसे अधिक गुरु जी हैं, भव निधि से तारे। ओम जय श्री जगतारण। हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे। परमात्मा ने कृपा करके हमें माता पिता के घर में जन्म अवश्य दिया था। माता पिता दयालु हैं, उपकारी हैं, लेकिन आप तो उनसे भी अधिक उपकारी हैं
क्योंकि आपने हमें जन्म मरण के बंधनों से छुटा दिया है। उनसे अधिक गुरु जी हैं भव निधि से तारे, इस जन्म मरण के इस भव सागर के बंधन से मुक्त करने वाले ऐ जग के तारणहार आपकी जय हो। तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द शर से सत, गुरु के शब्द शर से सो सूरा सो पूरा, सो सूरा सो पूरा बल में वह बरते। ओम जय श्री जगतारण। तले की वस्तु यानी पिंड देश अर्थात आंखों से नीचे का जो हिस्सा है, इस पिंड देश में रमी हुई सुरती को जो श्री गुरु महाराज जी के दिए हुए शब्द रूपी बाण के द्वारा ब्रह्मांड देश यानी आंखों से ऊपर का जो हिस्सा है, सिर की चोटी तक ब्रह्मांड देश वहां पर स्थिर कर लेता है, वही शूरवीर है, वही पूर्ण है और वही शक्तिशाली होकर सब कार्य करता है। ऐ जग के तारणहार आपकी जय हो। तत स्नेह प्रेम की बाती, योग अगन जिनके स्वामी, योग अगन जिनके आरती लायक सो जन, आरती लायक सो जन जो हैं शुद्ध मन के। ओम जय श्री जगतारण। तत्स्नेह यानी ज्ञान रूपी तेल, प्रेम की बाती और सुरत शब्द योग की अग्नि के द्वारा जिन्होंने अपने अंदर दीपक जला लिया है और जिनका मन निर्मल हो गया है, योग अगन जिनके, कहते आपकी आंतरिक आरती उतारने के वही लोग लायक हैं। आपकी आंतरिक आरती उतारने के, बाहरी आरती तो हम बाहरी रूप से घी कपास की जोत और अग्नि लगाकर बना लेते हैं, लेकिन आंतरिक आरती उतारने के लिए तत्व ज्ञान रूपी घी, प्रेम की बाती और सुरत शब्द योग की अग्नि की जरूरत है। उसके द्वारा ही अंदरूनी ज्योत प्रकट होती है, जिसके द्वारा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आंतरिक आरती उतारी जाती है। श्री परमहंस सतगुरु जी की आरती, अष्टपदी रच के स्वामी, अष्टपदी रच के साहिब चंद ने गाई, तेरों दासन गाई पद रज सज करके। ओम जय श्री जगतारण। श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी की आरती, ये आठ पदों वाली आरती दासों के दास साहिबचंद जी ने उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ा करके गाई है। पद रज सज, श्री चरण कमलों की धूल को माथे पर लगा करके गाई है, माथे पर सजा करके गाई है। ऐ जग के तारणहार श्री परमहंस गुरुदेव आपकी जय हो।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।